जिंदाबाद 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 अहमद सोरेन हाय 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 अहमद सोरेन हाय 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 भैया को सम्मान दिव्यांगों को अपमान भैया को सम्मान दिव्यांगों को अपमान भैया को सम्मान दिव्यांगों को अपमान अहमद सोरेन हाय 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 अहमद सोरेन हाय 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 भैया को सम्मान सर हम लोग दिव्यांग हम लोग 200 के बाद हम लोग 200 जहाँ एक और राहुल गांधी का यहाँ पर जमावड़ा में कहीं ना कहीं समागम के अंतर्गत दिव्यांगों ने अपना जिस तरीके से प्रदर्शन किया है यह जानना पड़ेगा क्या मामला है भैया आप पीछे आया कैमरा है मोबाइल नीचे कर मैं प्रदेश थोड़ा पीछे कर लीजिए 202 दिन तक लगातार राजभवन जाकिर हुसैन पार्क के बगल में गुहार लगा है सरकार से क्या हमारा मांग को सुनिए अभी देखिए सामान्य वर्ग को क्या दिया जा रहा है 2500 रुपए का कैबिनेट का फैसला किया गया और उस मोबाइल आप पीछे कर लीजिए हम लोग दिव्यांग लोग विरोध कर रहे थे हम लोग को सरकार ने छुपाने का काम किया हमें टांग टांग कर हम लोग को 1000 रुपए पेंशन मिलता है अभी राहुल जी से क्या बात हुई अभी राहुल जी बोले कि हमारा चुनाव के बाद हमसे मिले आप हमसे मिले थे तो कितना कहाँ जाएगा मिलने के राजधानी में धरना दिया है पूरा सोशल मीडिया को पता है कि हाँ दिव्यांग लोग धरना पे है लेकिन उसके बावजूद वोटों की राजनीति की गई और अंत में महिलाओं को वोट के लिए प्रलोभित करने गए हम लोग का वहाँ पे कम से कम 150 का संख्या था और हम लोग उर्जेंट भवन का खिलाफ किए थे हम यहाँ खुद माटी रहने वाले भैया मोबाइल पीछे अभी देखिए हम लोग मोबाइल पीछे बाहर का कोई भी विरोध नहीं है लेकिन पूरा राज्य में विरोध हो रहा है अभी आप एक चीज बोल देते मैया सम्मान योजना को लेकर विरोध का बात बिल्कुल ये क्या मैटर है बिल्कुल आज मैया जो सम्मान है जो 18 साल का युवा वर्ग जो चल फिर सकता है अपना काम कर सकता है लेकिन जो दिव्यांग जो लाचार है मजबूर है असहाय है अपने माँ बाप पर बोझ है जिसका शौचालय जाना प्रत्येक दिन का चुनौती है और वह समाज के बारे में सरकार नहीं सोचती है उसे 200 दिन तक ला धरना देने पे मजबूर करती है आज अभी इस कार्यक्रम में कहीं आप भाजपा की तरफ से तो भेजे बिल्कुल नहीं हमारे हमारा किसी भी पार्टी से कोई भी तरह का राजनीतिक मुद्दा से हमारा कोई मतलब नहीं है हम गरीब अपना दिव्यांग अपना मुद्दा को लेकर अब सब पार्टी से मिलते हैं ये केवल झारखंड की बात पूरे झारखंड की पूरे झारखंड का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ क्या अपील करेंगे क्या अपील रहेगा आपका हमारा अपील पूरे जनता से है क्या आप समझ सकते हैं एक वृद्धा एक विधवा और एक विकलांग को न्याय नहीं देकर अगर सामान्य वर्गों का पेंशन बढ़ाने का काम सरकार किया है तो बिल्कुल ये गलत नीति है और इसका विरोध जनता को करना चाहिए और मैं करता हूँ आश्वासन को किस तरीके से देखिए राहुल गांधी जी आज आश्वासन कर रहे हैं इससे पहले जब हमने 2019 में आश्वासन दिया था कि अगर मेरा सरकार आएगा तो दिव्यांग वृद्धा और विधवा का पेंशन 2500 किया जाएगा लेकिन 200 दिन दिव्यांग लोग बैठा धरना में और उसके बावजूद भी उनका पेंशन नहीं वृद्धि हुआ और पेंशन किसका वृद्धि हुआ जो 3 महीना पहले मैया के लिए सम्मान योजना लाया गया अच्छा अपने आपको मोबाइल पीछे किए भैया मोबाइल पीछे किए अरे इसका जवाब अरे उनको बोले ना हो बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से एक तरफ एकीकरण की बात रखी जा रही है सर हेमंत जी के द्वारा लेकिन यहाँ दिव्यांग उनके विरोध में खड़े हैं अब क्या कुछ इनका मांग है श्रीमान स्पष्ट तरीके से इन्होंने रख दिया राहुल जी इनके समक्ष गाड़ी रोक कर उतरे अब अगला स्टेप क्या होता है यह चुनाव के बाद का मुद्दा है जय